तो काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ जिम में, बट आपका फ्रेंड भी आपकी जितनी मेहनत कर रहा है पर उसका रिजल्ट आपसे काफी अच्छा है, या फिर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, डल स्किन, या फिर लो सेक्स ड्राइव, लो स्पर्म क्वालिटी, या फिर स्ट्रेस में रहना, या फिर मूड स्विंग होना, तो ये सारे सिम्टम्स है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के। सो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ आज हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन इन नेचुरली। सो गाइज, टेस्टोस्टेरोन पूरा डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पर, मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जंक फूड, या फिर स्ट्रेस में रहना, या फिर हमेशा मूड स्विंग होना। सो गाइज, ये सब डिपेंड करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर। सो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऐसी चीज़ें जिससे आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप गाइज अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, आप क्वालिटी स्लीप लीजिए, आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग को अवॉइड करिए और जंक फूड को भी अवॉइड करिए, और आप हेल्दी खाना खाइए। तो आज मैं गाइज आपको बताने वाली हूँ इसे 5 key points जो आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। सो गाइज, टेस्टोस्टेरोन में ऐसा है जैसे जैसे एज होते जाती है वैसे वैसा टेस्टोस्टेरोन कम होते जाता है, बट गाइज अभी यंगस्टर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होने लगा है, उसका रीज़न है पुअर लाइफ स्टाइल। तो पहला पॉइंट हमारा विटामिन डी एंड माइक्रोस। तो गाइज, विटामिन डी सनलाइट में भी होता है, आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, मॉर्निंग कार्डियो कर सकते हो, या फिर आप मेडिकल पे जाके विटामिन डी के कैप्सूल भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको किस साइड में जाना है। सेकेंड आता है मतलब आपका जो माइक्रोस। तो गाइज, माइक्रोस आते हैं आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में या फिर सलाद में, आप ग्रीन वेजिटेबल्स आप डेली से खाइए, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके विटामिन आपके माइक्रोस मिलेंगे, आपको विटामिन ए बी सी डी सारे, जिससे आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेकंड आता है क्वालिटी स्लीप। सो गाइस, आप 7 से 8 घंटे सोइए, आप अपने सोने के पहले आधा घंटे पहले ही आप अपना मोबाइल दूर रख दीजिए, तो ताकि आपको जल्दी सोने की हैबिट डलेगी। गाइस, 7 से 8 घंटे सोने से आपकी बॉडी को रिकवरी मिलेगी, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपकी डल स्किन ब्राइटनेस में चेंज होने लगेगी। सो गाइस, थर्ड पॉइंट आता है प्रोटीन इंटेक। तो गाइस, आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप प्रोटीन डाइट लीजिए, आप चाहे तो होल अंडा भी ले सकते हैं, आप वेजिटेरियन है तब सोया चंक्स भी खा सकते हैं। प्रोटीन आपके बॉडी में फैट को कम करेगा और आपकी मसल को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है हैवी लिफ्टिंग। सो गाइस, आप जिम में हैवी लिफ्ट करिए, मतलब हैवी वर्कआउट करिए, अगर आप हैवी वर्कआउट करने में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि हैवी वर्कआउट नहीं कर पाओगे, तो आपके रेपुटेशन के नंबर्स आप बढ़ा दीजिए, अगर आप 8-8 रेपुटेशन लगाते हो तो आप 10 से 12 रेपुटेशन लगाइए। सो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हैवी लिफ्टिंग। सो गाइस, फिफ्थ पॉइंट आता है सप्लीमेंट। अगर आप बात करेंगे सप्लीमेंट की, तो अश्वगंधा सबसे बेस्ट है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में से गाइस। सो गाइस, तो मैं अभी किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, बट आप जो भी लोगे अश्वगंधा ओरिजिनल लेना, तो ही वो आपको फ़ायदा करेगा। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे तो अश्वगंधा भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो गाइस, अश्वगंधा लीजिए, ओरिजिनल लीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दीजिए। सो गाइस, इसी टाइप की मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करना। सो गाइस, मेरा नाम है हर गुरुचंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।